हम सुना तुम बहुत बहुत अच्छा खिलौना बनाता है। हाँ तो अच्छा तो बनाता ही, अच्छा नहीं है। बहुत दूर से आया खिलौना लेने। जी सर, हम बहुत दूर से आया खिलौना लेने। आप हमारा खिलौना लेने आए? हाँ। आप हमारा खिलौना लेने आए? हाँ। तो लो साहब, आपको जो चाहिए देखिए, जो आपको पसंद नहीं मांगता है आप भी लीजिए। हाँ, ये देगा सर, ये भी देगा, ये पर मांगता है, ये भी देगा। हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा है। जो नहीं कोई ये नहीं चाहिए पहनना। नहीं नहीं नहीं, देखो तुम बताओ ये खिलौने का तुम कितना पैसा लेगा? अरे साहब, अभी आप जो दे देगा हम ले लेगा, हमारा क्या। देखो ऐसा बात नहीं करना, हम तुमको 10 रुपए से जाती नहीं देगा। 10 रुपए देगा? हाँ सर, 5 रुपए वाला करने को दू। ये मल्ली नोट लेते हो रानी को, इतनी सारी बोल रहे हो तुम। आस्ते बोलो, नहीं तो तुमको खिलौना नहीं मिलेगा, हमको पैसा नहीं मिलेगा, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। पैसा देगा? हाँ देगा ना, पैसा देगा। तो निकालो निकालो, 1 रुपया, 1 रुपया, 5 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 र
अच्छा नमस्ते 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 साहब नमस्ते। शंकर बेटे ला पैसे ला, मैं बाजार जाऊंगी, खाने पीने की कुछ चीजें खरीद लाऊंगी। पर तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तू क्या करेगी? मैं खुद ही जाकर सब ले आता हूँ। मैं जानती हूँ तू कहाँ जाएगा, पैसे कहाँ जाएंगे। लो मैं ले आती। अच्छा देख, अगर आधे घंटे में सब चीजें लेकर वापस ना आ गया ना, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। बस चोर की सजा देनी होती बेटे, सबके दे चुकी होती। क्या क्या मतलब? क्या तो छोड़ना इन बातों को, ला पैसे दे दो। हाँ अच्छा देख, तो एक काम करती है, ये 2 रुपए तू ले ले, बाकी के पैसों से सब चीजें मैं अभी लेके आता हूँ। पटांग जाओ बाबा एकदम जल्दी। आठ रुपया उठाने, मैं तो नकद नकदी का हिसाब पसंद करती हूँ। तो ये तू थी जो बातें सुन रही थी हमारी, हैं? 8 रुपया उठाने। देख पा रहे हो, ये दुनिया जो है ये 4 दिनों की माया है, इसमें पैसे का इतना लोभ अच्छा नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है शंकर, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, तू भी नहीं है। 8 रुपया उठाने ये कोई शराफत नहीं है। अरे चोर से काहे की शराफत, 8 रुपया उठाने। देख पा रहे हो, दुनिया मुझ पर भरोसा नहीं करती ना, मैं कहता हूँ ठीक है कोई परवाह नहीं जाने दो। तेरी भाभी मुझको कितना बुरा भला कहती है, मैं कहता हूँ ये भी चलता है, लेकिन जब तू मुझको चोर कहती है ना और इतने से पैसों का मुझ पर भरोसा नहीं करती, तो मेरा दिल टूट जाता है। आपके लक्षण ही जो ऐसे हैं तो उसको कोई क्या करे। पारो बुआ, बनारस से कोई मेहमान आया है, पिताजी ने तुम्हें घर बुलाया है। बनारस से मेहमान? चुप रहो जी, तुम्हारी वजह से आज सुबह पारो बुआ को मार पड़ी, और फिर तुम्हें यहाँ धमकियो। मेरी वजह से मार पड़ी? हाँ हाँ, पूछ लो उसे। क्यों पारो? पारो बुआ, जितनी जल्दी चलोगे उतना ही अच्छा होगा। देखिए वो आपकी मौसी थी ना, वो आपके नाम एक वसीयत कर गई हैं। ये सुनकर आपको बड़ी खुशी होगी कि वो अपना सब कुछ आप और आप ही के खानदान के लिए छोड़ गई हैं। क्या कुछ छोड़ गई है हमारी मौसी? हाँ, बेसब्री से काम न लीजिए श्रीमती जी, अभी आपको सब मालूम हो जाएगा। पार्वती कहाँ है? आ रही है पिताजी। ये मेरी बेटी है और पार्वती मेरी बहन है, सौतेली बहन, मेरा मतलब बाप एक और माएँ दो, यानी माएँ अलग अलग। अब बता भी दो कितना पैसा छोड़ गई है मौसी जी। बताता हूँ, बता भी दो यार और खत्म करो। तुम क्या जानो जी कितना खतरा है एकदम बता देने में, रकम मोटी है और ये लोग छोटे हैं, मेरा मतलब है बहुत गरीब हैं, अचानक इतना पैसा मिल जाने से मैंने लोगों को मरते ही देखा है, समझे? हमें ये खबर धीरे धीरे सुनाना चाहिए। हाँ तो जगत बाबू एक बात तो बताइए, अगर कहीं आपको 5,000 रुपये मिल जाए तब आप क्या करें? 5,000? भैया थोड़ी जमीन खरीद लूं और उसमें धान बो दूं और एक जोड़ी नागौरी बैलों की ले लूं। और अगर कहीं 10,000 मिल जाए तो? बाबू जी 10,000? भैया जब तक नया मकान भी बनवा लूं, अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीद लूं पुष्पा और पारो के लिए, पुष्पा की माँ के लिए भी ले लूं,
15,000 हो तो? बाबूजी, 15,000? 15,000? भैया, जब तो मैं पुष्पा पारो को पढ़ाई न दूं, इन्हें वो सब कुछ सिखाई न दूं, जो एक शरीफ घर की लड़कियों को आना चाहिए, शहर के अच्छे से अच्छे लड़के के पास शादी न कर दूं इनकी। 20,000 के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो भैया, आधा मैं तुम्हें दे दूंगा। जरूर क्या आपने? आपको ये खबर धीरे धीरे सुनानी चाहिए थी। लेकिन सब रुपया है कितना? 1,00,000। 1,00,000? 1,00,000? बात तो सुनो, बात तो सुनो।